Hello, students. In this video, we are going to discuss HP Board Class 10th Maths paper. First of all, let us look at the general instructions. So, the time is for 3 hours. The maximum marks are 80. Then, the question paper contains 5 sections A, B, C, D, and E. Section A has 18 questions of 1 mark each, out of which you have to attempt only 16 questions. Section B has 8 questions from 19 to 26 of 2 marks each, out of which 5 questions are to be attempted. C section has 10 questions from 27 to 36 of 3 marks each, out of which any 7 questions are to be attempted. Now, section D has 4 questions from 37 to 40 of 4 marks each, out of which any 2 questions are to be attempted. Then, section E has 8 questions from 41 to 48 of 5 marks each out of which any 5 questions are to be attempted now the first section it has 18 questions all right from 1 to 18 and one mark each and you have to do uh, any 18 questions out of it so let us look at the first question over here first question is if an event cannot occur then its probability is so when an event cannot occur

बी सी सो अगर किसी ट्राइंगल में वन साइड इज ड्रॉन पैरल टू अदर साइड देन द कॉरस्पोंडिंग साइड आर प्रपोर्शनल सो वी हैव ए डी अपॉन डी बी टू बीक्वल टू ए अपॉन ई सी या सीई जिसको हम एक्स मान लेते हैं सो वी नीड टू फाइंड एक्स अब फिगर में आपको वैल्यूज दी हैं वो प्लग इन कर लो सो टू ओवर थ्री विल बी इक्वल टू थ्री ओवर एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई टू टाइम्स एक्स इज इक्वल टू सो एक्स so, की वैल्यू नाइन बाई टू विच इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाटिटी की इक्वेशन हैज इक्वल रूट क्वाटिटी की इक्वेशन आपको दी है टू एक्स स्क्वेर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो एंड द रूट आर इक्वल अगर हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू दैट जीरोस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी विल इक्वल टू जीरो माइनस फोर टाइम्स टू इन टू के वुड बी इक्वल टू जीरोस के स्क्वेयर माइनस एट के जीरो है अब देखो ये क्वाड्रेटिक केस के दो रूट्स आएंगे लेट अस फैक्टराइज सो टेक के कॉमन के इन टू के माइनस एट जीरो हो गया इसका मतलब इधर k विल बी जीरो और वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू एट सो हेयर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर फोर इफ अ अर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब देन रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो आप ये फिगर देख सकते हो यहां दिस फिगर एज यू कैन सी वी हैव अ अफेयर विच इज इंस्क्राइब्ड इन साइड द क्यूब तो आपको दोनों का वॉल्यूम चाहिए तो अगर हम क्यूब की साइड ए लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम डिनोट करते हैं वी वन से राइट सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब दिस इज वी वन तो ए अगर साइड है तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाउ मच इट विल बी ए क्यूब सो वॉल्यूम हमारे पास ए क्यूब आ गया अब देखो ए किसके इक्वल होगा ट्वाइस द रेडियस अगर स्फेर का रेडियस आर है तो क्यूब की लेंथ ब्रेथ और हाइट टू आर होगा सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू टू टाइम्स आर क्यूब विच इज नथिंग बट एट आर क्यूब फिर हम बात करते हैं स्फेयर की तो स्फेयर का वॉल्यूम अगर हम वी टू से डिनोट करते हैं तो अगर स्फेयर का रेडियस आप आर ले रहे हो तो वॉल्यूम इज गिवन बाय फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो आपको रेशियो क्यूब इज टू स्फेयर की चाहिए सो वी वन अपॉन वी टू विल बी इक्वल टू एट आर क्यूब डिवाइडेड बाय फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब विच विल बी इक्वल टू एट आर क्यूब टाइम्स थ्री डिवाइडेड बाय फोर पाए आर क्यूब सो आर क्यूब गेट्स कैंसल्ड यहाँ पे फोर भी कैंसल करो कितना आ गया टू सो द रेशो इज टू थ्री इज सिक्स ओवर पाए दैट मीन्स द रेशो इज सिक्स इज टू पाए विच इज ए ऑप्शन मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर फाइव इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज ट्वेंटी एंड सम ऑफ सेवंथ एंड एलेवेंथ टर्म्स इज सिक्सटी फोर वी नीड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी तो अगर ए पी में हम फर्स्ट टर्म ए ले लें कॉमन डिफरेंस डी तो फिफ्थ टर्म आपको ट्वेंटी दी है और आपको दिया है ए सेवन प्लस ए इलेवन इज इक्वल टू सिक्सटी फोर आप देखो एन एथ टर्म का ए पी में फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो ए फाइव मीन्स ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू ट्वेंटी तो यहाँ से आप ए लिख सकते हो ट्वेंटी माइनस फोर टाइम्स डी राइट ए सेवन हो जाएगा ए प्लस सिक्सटी ए इलेवन इज ए प्लस टेन डी दिस इज इक्वल टू सिक्सटी फोर सो वी हैव टू टाइम्स ए प्लस सिक्सटीन डी इज इक्वल टू सिक्सटी फोर टू से डिवाइड कर दो ए प्लस एट डी विल बी इक्वल टू थर्टी टू ए की वैल्यू यहां से इसमें प्लग इन कर दो सो वी हैव 20 माइनस फोर टाइम्स डी प्लस एट डी इज इक्वल टू थर्टी टू दैट मीन्स फोर डी इज इक्वल टू सिक्सटीन सो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फोर डी विल बी इक्वल टू ट्वेल्व राइट नॉट सिक्सटीन सो फोर डी विल बी इक्वल टू थर्टी टू माइनस ट्वेंटी दैट इज ट्वेल्व सो वैल्यू ऑफ डी विल बी थ्री दैट मीन्स हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर सिक्स सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए चाहिए अब देखो सीकेंट ए होता है वन अपॉन कॉसे एंड टेन ए इज गिवन बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कॉसे एंड द अदर फैक्टर इज वन माइनस साइन ए अब पहले वाले फैक्टर में लेटेस्ट ए कॉस ए एज एल्सियम सो वी हैव वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस साइन ए लिटस्ट मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर विद न्यूमिरेटर सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए वन स्क्वायर इज वन ओनली एंड वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्र ए सो कॉस स्क्र ए डिवाइडेड बाय कॉस ए दैट मीन्स वी गेट कॉस ए सो देर ए ऑप्शन इज करेक्ट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर सेवन सेवेंथ क्वेश्चन हेयर इज द क्वालिटी की क्वेश्चन आर दीज यू हैव टू फाइन तो देखो सम ऑफ रूट्स हमारे पास हो गया सेवन प्लस रूट थ्री प्लस सेवन माइनस रूट थ्री विच इज इक्वल टू फोर्टीन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं इट इज सेवन प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय सेवन माइनस रूट थ्री ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्र मीन्स सेवन स्क्वेयर माइनस रूट थ्री स्क्वेयर विच इज इक्वल टू फोर्टी नाइन माइनस थ्री

Now look here, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसमें सी एंगल इज नाइन्टी डिग्री और आपको दिया है एंगल बी फोर्टी फाइव है अब देखो तीनों एंगल्स का सम वन एटी होता है वी हैव ए प्लस बी प्लस सी टू बीवल टू हंड्रेड एंड एटी डिग्री सो यू विल हैव ए प्लस नाइनटी प्लस फोर्टी फाइव टू बी एकवल टू वन एटी तो वन थर्टी फाइव माइनस करो सो ए विल ऑल्सो कम आउट टू बी फोर्टी फाइव डिग्री सो एंगल ए भी हमारा फोर्टी फाइव डिग्री आ गया आप देखो अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स अपोजिट भी इक्वल होंगी सो दैट मीन्स यू विल हैव एंगल ए के अपोजिट बी सी है और एंगल बी के अपोजिट ए सी है सो वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिस इम्प्लाइज वी हैव बी सी इज इक्वल टू ए सी ना वॉट इज बी सी बी सी इज द बेस एंड ए सी विल बी द परपेंडिकुलर, राइट सो दैट मीन्स वी हैव बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ए पी इज टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट ओ पी इज फोर एंगल ओ पी ए आपको थर्टी दिया है तो ए पी बताना है तो ए पी आपका ये है इसको एक्स मान लो ना ओ ए इज द रेडियस एंड वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये वाले ट्राइंगल में आपको देखो हैपीचीनिय पता है और हमें ये बेस निकालनी है तो बेस और को रिलेट करते हुए रेशो कॉस होती है सो इन ट्राइंगल ओ ए पी लेटेस्ट टेक कॉस थर्टी डिग्री विच इज बेस्ड अपॉन हैपिटेन्यूस कॉस थर्टी की वैल्यू है रूट थ्री बाय टू बेस इज योर ए पी विच इज एक्स विच वी नीड टू ऑपटेन और हैपिटेन्यूस है फोर दैट मीन्स वी हैव फोर रूट थ्री इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स सो एक्स विल बी इक्वल टू फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू टू रूट थ्री

तो एल से अगर हम डिनोट करें इट इज़ फाइव पाए और एरिया इज गिवन टू बी इक्वल टू ट्वेंटी पाए सेंटीमीटर स्क्वायर अब लेंथ का हमारा फॉर्मूला होता है थीटा ओवर थ्री सिक्सटी डिग्री जिसमें ये वाला एंगल सेंट्रल एंगल थीटा है सब्टेंडेड बाय दी आर्क इन टू टू पाई आर राइट सो दिस इज इक्वल टू फाइव पाए एंड एरिया इज गिवन बाय थीटा ओवर थ्री सिक्सटी टाइम्स पाए आर स्क्वायर

नाउ नोटिस थीटा ओवर 360 सिक्सटी कैंसल हो गया पाए कैंसिल हो गया एक आर भी कैंसिल हो जाएगा सो आर ओवर टू इज इक्वल टू ऑन राइट साइड पाए इज कैंसल फाइव वन ज फाइव फाइव फोर ज ट्वेंटी सो इट इज सिंपली फोर क्रॉस मल्टीप्लाय द रेडियस विल बी इक्वल टू एट दैट मीन्स एट सेंटीमीटर्स डी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ए इज गिवन टू बी टू टाइम्स थ्री इन फिर हमें बी दिया है टू इंटू थ्री इंटू फाइव दैट मीन्स हर एक की पावर वन है और अगर c है थ्री रेस पर n इंटू फाइव तो आपको एलसीएम ऑलरेडी गिवन है एल सी एम ऑफ ए बी सी जो है दैट इज टू क्यूब इंटू थ्री स्क्वेर इंटू फाइव अब देखो एल सी एम में मैक्सिमम पावर लेते हैं तो आपको n बताना है कि थ्री की पावर क्या होनी चाहिए अब देखो थ्री की पावर यहाँ पे टू है जबकि a और b में थ्री की पावर वन है तो अगर एलसीएम में थ्री स्क्वे आ रहा है तो मतलब यहां पे हमारे पास थ्री स्क्र होना चाहिए विच मीन्स दैट वैल्यू ऑफ एन शुड बी टू सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वन नाइन सिक्स वन नाइन सिक्स इज गिवन बाय फोर्टी टाइम्स फोर सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू से अब सेवन और टू दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनके सम ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है दैट विल बी इक्वल टू टू प्लस टू दैट इज इक्वल टू फोर सो सी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नंबर ऑफ जीरोल पी एक्स एज शोन इन दिगर जीरो होते हैं जहां पे हमारे पास पी एक्स जीरो बन रहा है दैट मीन्स वाईज जीरोक्स तो एक ही पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्स को कट कर रहा है

फोर रूट टू माइनस थ्री रूट टू विच इज रूट टू तो नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती है कॉमन डिफरेंस ऐड करके सो नेक्स्ट टर्म विल बी फाइव रूट टू प्लस रूट टू विच इज इक्वल टू सिक्स रूट टू ऑल राइट नाउ इसको अगर आप सिक्स को रूट के अंदर लेके जाते हो तो थर्टी सिक्स हो जाएगा सो दैट मीन्स इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ सेवनटी टू विच इज ऑप्शन मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पेयर ऑफ इक्वेशंस का कैसा सोल्यूशन होगा आपको यह बताना है उसके लिए हम रेशोस कैलकुलेट करते हैं ए वन अपॉन ए टू फर्स्ट ऑफ ऑल ए वन ए टू आर दी कोफिशियंट्स ऑफ एक्स उनकी रेशो सो इट इज़ टू ओवर थ्री बी वन अपॉन बी टू वाई के कोफिशंट्स की रेशो है विच इज़ वन ओवर टू नाउ यू कैन सी दैट ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू सो दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स है लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट दैट इज वन पॉइंट so a option here would be correct question number 17 is mean of first 10 prime numbers be the first 10 prime numbers honge kya? They will be 2 3 5 7 11 13 17 19 then 23 and then 29 तो मीन आपका जो होता है दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है जीरोस चाहिए आपको इस पोलिनोम के सो so यहां पे देखो का मतलब है कि किन वैल्यूज के लिए हमारे पास ये पोलिनोम जीरो बन रहा है तो वी वॉन्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन आप सिक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो सिक्स एक्स स्क्स एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते हैं तो इट कैन बी रिटर्न है थ्री एक्स कॉमन है वी आर लेफ्ट विथ टू एक्स प्लस थ्री इन द नेक्स्ट टू टर्म्स माइनस फोर इज कॉमन सो अगेन वी हैव टू एक्स प्लस थ्री So, 2 factors we got. 2x plus 3 into 3x minus 4. So, each of the factor would be 0. So, 2x plus 3, 0 means x is minus 3 by 2 and 3x minus 4 equal to 0 means x is 4 by 3. So, C option here would be correct. Now, we come to section B. It is for 10 marks. Now, it has 8 questions from 19 to 26 of 2 marks but you have to do only 5 questions, any 5. नाइनटीन क्वेश्चन ये है एच सी एफ और एल सी एम फिफ्टी सिक्स और हंड्रेड एंड ट्वेल्व का आपको निकालना है बाई प्राइम फैक्ट्राइजेशन तो देखो अगर हम फिफ्टी सिक्स की बात करते हैं इट्स इज एट टाइम्स सेवन दैट मीन्स टू क्यूब इंटू सेवन टू द पावर वन अगर हम हंड्रेड एंड ट्वेल्व की बात करते हैं दिस इज सिक्सटीन टाइम्स सेवन दैट मीन्स टू रेज पर फोर इंटू सेवन की पावर वन तो अगर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो उसमें मिनिमम पावर्स लेनी होती हैं सो टू क्यूब इंटू सेवन रेज पर वन एट सेमन मल्टीपल एलसीएम में मैक्सिमम पावर लोगे सो टू रेज पर फोर सेवन रेज पर वन विच इज इक्वल टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी प्रूव करना है कि फोर प्लस रूट टू इज इेशनल सो विल डू इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड टू एज्यूम कर लो लेट फोर प्लस रूट टू बी रैशनल अब कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो आप इसको लिख सकते हो इन द फॉर्म p बाय क्यू वेर पी एन क्यू बोथ आर इंटीजर्स सपोज दे आर को प्राइम ऑल्सो एन वी हैव q नॉट इक्वल टू जीरो यहां से रूट टू कैन बी टेकन एज p अपॉन क्यू माइनस फोर टेक एल्सियम रूट टू विल बी इक्वल टू p माइनस फोर टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई क्यू अब आप नोटिस करो अगर p और q इंटीजर्स हैं और q नॉन जीरो है सो दिस इज अ रैशनल नंबर तो हमारे पास राइट साइड रैशनल नंबर है वेर एज लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रैशनल और राइट सो देर फोर वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन तो हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि लेफ्ट साइड इ रैशनल है और राइट साइड रैशनल सो देर फोर आर अजम्पन इज रॉन्ग दिस एम्प्लाइज फोर प्लस रूट टू इज इेशनल राइट सो इट हैज टू बी इेशनल

कि आपको ई इवेंट ये दिया है कि नंबर ऑड है अब देखो 49 नंबर्स में ना आपके पास 25 फाइव ऑड नंबर्स होंगे और 24 फोर इवन नंबर्स होंगे तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ई की चाहिए तो फेवरेबल हो गए ट्वेंटी फाइव टोटल फोर्टी नाइन सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी सेकेंड पार्ट आपको कहा है कि मल्टीपल ऑफ फाइव मान लो एफ ले लेते हैं कि जो नंबर है दैट इज मल्टीपल ऑफ फाइव तो देखो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे वन से ले रहे हैं तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव राइट थर्टी थर्टी फाइव एंड टेन फोर्टी एंड फोर्टी फाइव सो हाउ मेनी आर दीज दीज आर नाइन नंबर्स राइट सो देर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी इक्वल टू फेवरेबल नाइन है और टोटल कितने हैं फोर्टी नाइन सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है की वैल्यू वन दी है अब देखो आपको दिया है ए और बी दोनों हैं। तो अगर tan a की वैल्यू वन है एंगल ए वुड इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री फिर हमें दिया है साइन बी इज इक्वल टू वन बाय रूट टू तो किस एंगल पे साइन की वैल्यू वन बाय रूट टू होती है सो बी इज ऑल्सो फोर्टी फाइव वी नीड टू अपटेन कॉस ए प्लस बी

तो आपको पी का डिस्टेंस ए से दिया है कितना टू रूट फाइव अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वेर प्लस वी हैव वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वेयर सपोज दिस इज एक्स वन वाई वन एंड पी इज एक्स टू वाई टू तो यहां प्लग इन कर दो लेफ्ट हैंड साइड में सो वी हैव अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सेवन स्क्वेयर and plus 0 minus minus plus 4 square is equal to 2 root 5 let us do squaring both sides so x minus 7 square plus 16 will be equal to 2 2's are 4 4 5's are 20 16 ko transpose kar do, so we get x minus 7 square is equal to 4 abia lo square roots so we will have x minus 7 to be equal to plus minus 2 दैट so मीन्स x विल बी इक्वल टू सेवन प्लस माइनस टू सो दैट मीन्स इधर x विल बी इक्वल टू नाइन और x विल बी इक्वल टू फाइव तो x एक्स के ऊपर पॉइंट या तो आपका होगा नाइन कॉमा जीरो या फिर आपका पॉइंट होगा फाइव कॉमा जीरो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव शो दैट एक्स इक्वल टू फाइव वाई इक्वल टू इज अल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेश अब अगर आपने शो करना है कि सोल्यूशन है तो आपको वेरीफाई करना है सोल्यूशन कब होता है जब x इक्वल टू फाइव और y इक्वल टू टू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो पहली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 2x एक्स प्लस थ्री वाई वैल्यूज प्लग इन करो 2 टाइम्स फाइव प्लस थ्री टाइम्स टू विल बी इक्वल टू टेन प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू सिक्सटीन विच यू कैन सी इज राइट हैंड साइड तो ये पॉइंट हमारा पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है अब दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज x माइनस टू टाइम्स वाई सो दैट मीन्स फाइव माइनस टू टाइम्स टू नाउ दिसव माइनस फोर विच इज इक्वल टू वन विच इज अगेन इक्वल टू राइट हैंड साइड सो द्वाइंट इज सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेश सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है ट्राइंगल ए बी सी दिया है सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब ट्राइंगल की साइड टच करती हैं सर्कल को आपको BC की लेंथ बतानी है अब आप नोटिस करो इसमें हमारे पास एक्सटर्नल uh, पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं ना तो दे आर इक्वल इन लेंथ सो लुक हेयर लेट मी इन लार्जेट तो यहाँ पे आप नोटिस करो जैसे आपके पास बी पी विल बी इक्वल टू बी आर अब आप नोटिस करो आपको बी आर ये थ्री दिया हुआ है तो इसका मतलब बी पी भी आपका कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा बोथ विल बी इक्वल टू थ्री सिमिलरली ए आर विल बी इक्वल टू ए क्यू एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स हैं तो ए आर अगर हमें फोर दिया है तो ए क्यू भी कितना हो जाएगा फोर सो दिस विल बी इक्वल टू फोर यूनिट्स आर सेंटीमीटर्स अब टोटल ए सी अगर आपको इलेवन दिया है तो आप देखो ए सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी सो दैट मीन्स इलेवन इज इक्वल टू फोर प्लस क्यू सी सो यहाँ से क्यू सी कितना आ गया सेवन सेंटीमीटर्स सो दिस इज सेवन सेंटीमीटर्स अब अगेन सी क्यू विल बी इक्वल टू सी पी बोथ विल बी इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर्स तो ये हमारा सेवन सेंटीमीटर्स आ गया सो देर फोर यू कैन सी फ्रॉम द फिगर बी सी इज बी पी प्लस पी सी दैट मीन्स थ्री प्लस सेवन विच इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर्स राइट नाउ वी हैव सेक्शन सी फॉर ट्वेंटी वन मार्क्स जिसमें आपके पास टेन क्वेश्चन है ट्वेंटी सेवन टू थर्टी सिक्स ऑफ थ्री मार्क्स बट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी से राइट नाउ क्वेश्चन नंबर अब हम ट्वेंटी सेवन देखते हैं इन अ ट्राइंगल ए बी सी जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी है इसमें आपको दिया है एक्स वाई इज पैरल टू बी सी एज वी कैन सी एंड इट डिवाइड ट्राइंगल ए बी सी इन टू टू पार्ट ऑफ इक्वल एरिया दैट मीन्स ये एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम है ए वन और ए टू एरिया है आपको ये प्रूफ करना है बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू अब सबसे पहले आप ये देखो कि आपको एक्स वाई पैरल टू बी सी दिया है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वुड बी इक्वल तो लुकेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एक्स वाई इसमें एक तो एंगल ए हमारा कॉमन है सो वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए

अब आप देखो आपको एरिया की बात दी है एक तो ये रिजल्ट होता है ऊपर से एरिया का रिजल्ट क्या होता है कि ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई ऑल राइट दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच इट विल बी ए बी स्क्वेर डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वेयर अब आप नोटिस करो क्योंकि ये दोनों एरियाज इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई तो एक्स वाई को डिनोमिनेटर में ले आओ सो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई इज इक्वल टू टू ओवर वन तो यहाँ प्लग इन कर दो सो टू ओवर वन इज ए बी स्क्वेर डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लो इसका मतलब ए बी अपॉन ए एक्स की रेशो हमारे पास कितनी आ गई रूट टू ओवर वन वी है इसका बेशक रेसिप्रोकर ले लेते हैं हम यहां पर तो ए एक्स अपॉन ए बी वुड बीक्वल टू वन अपॉन रूट टू लेटस कॉल दिस एज वन अब देखो हमें निकालना क्या हैिगर में देखो बी एक्स नथिंग बट ए बी माइनस ए एक्स राइट तो इसको सेपरेट कर लो दैट मीनस इट इज ए बी अपॉन ए बी विच इज वन एंड माइनस ए एक्स अपॉन ए बी नाउ यू यूज वन ओवर हेयर सो इट इज वन माइनस वन ओवर रूट टू तो एलसीएम ले, ले लेते हैं इट विल बी रूट टू माइनस वन बाय रूट टू और यही हमने प्रूव करना था अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो एंड रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो बाय सब्सिट्यूशन मेथड तो सब्सटीट्यूशन मेथड में हम एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं सो द फर्स्ट इक्वेशन इज रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री वाई जीरो इसको आप लिख सकते हो रूट टू एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री वाई तो देखो जैसे अगर को करना है तो दिस कैन बी एज रूट थ्री अपॉन रूट टू टाइम्स वाई तो ये x की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में सब्सट्यूट करेंगे विच इज़ रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इज जीरो तो ये x यहाँ सब्सट्यूट करते हैं तो वी गेट रूट थ्री टाइम्स रूट थ्री ओवर रूट टू टाइम्स वाई माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो एल सी एम ले लो यहाँ पे रूट टू वी गेट रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री वाई माइनस रूट एट इंटू रूट टू विल बी रूट सिक्सटीन विच इज़ फोर ट दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वी गेट माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो मीन वाई इजो अब यहां से हम एक्स निकाल लेते हैं सोल्यूशन वुड बी गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन हमें दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू और देखो निकालना क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अब देखो अगर इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें तो इट इज साइन थीटा ओवर थीटा प्लस वी हैव थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा यहां पे एलसीएम ले लो थीटा साइन थीटा राइट तो न्यूमिरेटर आपके पास आ गया साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस्क्वेर थीटा विनोदी आइडेंटिटी साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस्क्वेर थीटा इज वन सो वी हैव वन अपॉन कॉस्थीटा इंटू साइन थीटा अब देखो कॉस्थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स सो इफ यू डू स्क्वेरिंग बोथ साइड्स तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों की अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें तो लेफ्ट साइड पर ए प्लस बी होल स्क्र का फॉर्मूला लगेगा सो वी हैव साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस वी हैव टू साइन थीटा कॉस् थीटा और रूट टू का स्क्वेयर

इन वॉट रेशियो डज एक्सेक्सेज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स अब देखो हमारे पास सपोज ये लाइन सेगमेंट है ए टू कॉमा माइनस थ्री और बी फाइव कॉमा सिक्स सपोज ये है हमारी एक्सेक्सेस तो आपको बताना है ये इसको किस रेशो में डिवाइड करती है सपोज इट इज इंटरसेक्टिंग ए बी एट पी तो पहले हम पी के कॉर्डिनेट्स लेते हैं उसके लिए अज्यूम कर लो लेट पी डिवाइड ए बी इन रेशो के एस टू वन राइट दैट मीन्स एक्स एक्सेस एक तरह से डिवाइड कर रही है ए बी को इन रेशो के एस टू वन सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला टू ऑपटेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी राइट सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं देखो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कैसे आएंगे के को इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है और वन को इधर वाले से तो पहले एक्स कॉर्डिनेट लेते हैं इट विल बी फाइव के प्लस टू डिवाइडेड बाई के प्लस वन

Over k plus 1 is equal to 0, cross multiply 6 k minus 3 0, that means 6 k is equal to 3. So, we get k equal to 3 by 6 or we can say k is 1 by 2. So, we had assumed the ratio to be k is to 1, that means it is 1 by 2 is to 1. So dono ko multiply kar do by 2. So the ratio can be taken as 1 is to 2, right. तो अगर x एक्सेस ले रहे हैं तो इसमें आपके पास y कोऑर्डिनेट कितना होगा जीरो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है इफ इन फिगर ए बी इज पर पेंडिकुलर टू बी सी तो आप देखो ये वाला एंगल हमारा नाइन्टी डिग्री है एंड डी ई इज पर पेंडिकुलर टू ए सी सो दिस एंगल इज ऑल्सो नाइन्टी डिग्री यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी तो आप देखो एक तो एंगल ए दोनों में कॉमन है राइट, वी हैव एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दूसरा आप देखो ए बी सी में जो एंगल ए बी सी है 90 डिग्री है और में एंगल इज 90 डिग्री राइट तो आपके पास दो एंगल्स इक्वल आ गए तो बाय ए ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी वी हैव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए रूल इज ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज टू तो फर्स्ट टर्म ऐसे डिनोट करते हैं ए पी की तो दैट इज गिवन टू बी टू लास्ट टर्म ए पी की हमें फिफ्टी दी है तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट देयर बी एन टर्म्स इन द ए पी सो दैट मीन्स वी आर गिवन एन इट टर्म टू बी इक्वल टू फिफ्टी सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स मतलब हमें एन टर्म्स का सम दिया है फोर फोर्टी टू यू नीड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज सबसे पहले देखो यहां पे अगर हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करें इट इज ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी दिस इज फिफ्टी हमें इसमें सिर्फ अभी ए पता है तो ए प्लस ए मीन्स टू प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज फिफ्टी विच मीन्स वी हैव एन माइनस वन इंटू डी एज फोर्टी एट अस कॉल दिस एज वन अब देखो एस एन का हमारे पास फार्मूला होता है इट इज एन बाय टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म राइट सो वी हैव एस एन एस फोर फोर्टी टू एन वी डोंट नो इट इज एन बाय टू सो यहाँ पे वी हैव फोर फोर्टी टू टू बी इक्वल टू एन बाय टू अब देखो हमें फर्स्ट टर्म टू पता है इज इट ओके और लास्ट टर्म कितनी पता है फिफ्टी तो यहां से एन निकल आएगा हमारा तो 442 फोर्टी टू इज इक्वल टू एन बाई टू टाइम्स फिफ्टी टू ये कैंसिल करो कितना आ गया 26, सिक्स सो वैल्यू ऑफ एन विल बी इक्वल टू फोर फोर्टी टू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स विच इज़ नथिंग बट सेवनटीन अब ये इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इन वन सो वी गेट एन माइनस वन मीन्स सेवनटीन माइनस वन इन टू डी इज फोर्टी एट विच मीन्स सिक्सटीन डी इज़ फोर्टी एट So, so, स्टेप्स हमारे ये होंगे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऑफ लेंथ सेवन पॉइंट सिक्स तो ये ए बी लाइन है सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर्स की जो हमने ड्रॉ करनी है फिर ड्रॉ एनी रे ax मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद ab सो दिस इज द रे ax विच वी हैव ड्रॉन विच इज मेकिंग दिस एक्यूट एंगल विद ab अब क्योंकि रेशो रेशियो 5:8 है 5+8 इज 13 सो वी मार्क 13 पॉइंट्स a1 a2 a13 ऑन ax सच दैट ऑल आर इक्वल इन लेंथ बाय ड्रॉइंग इक्वल आर्क्स सो ये देखो हमने इक्वल आर्क्स पे 13 पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं फिर जो लास्ट पॉइंट आपका ए थर्टीन है उसको बी से ज्वाइन करना है सो वी आर गोइंग टू ज्वाइन ए थर्टीन विद बी नेक्स्ट इज सिंस वी वॉन्ट द रेशो फाइव इज टू वेट तो फाइव का मतलब हमें फाइव यूनिट्स लेना है तो हम ए फाइव लेंगे और यहां पे ए फाइव से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरल टू ए थर्टीन बी कैसे ड्रॉ करनी है आप यहां पे एक आर्क लगाओ सेम मेजर से आर्क यहां लगेगी देन कीप योअर कंपस एट दिस पॉइंट मार्क दिस आर्क यहां कंपस रख के ये आर्क लगाओ सो यू विल गेट टू एंगल्स इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसको ज्वाइन करो ए फाइव को इस पॉइंट से प्रोड्यूस करो टू मीट ए बी एट सी सो यू गेट सी ए फाइव पैरल टू योर बी एन बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल अब हमारे पास अगर देखो ये रिजल्ट आ गया कि ये पैरल हैं तो ट इन अ ट्राइंगल इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरल टू वन साइड आर डिवाइडेड इन इक्वल रेशो तो इसका मतलब ए ए फाइव ओवर ए फाइव ए थर्टीन की रेशो क्या होगी ए सी अपॉन सी बी अब ए से लेकर ए फाइव का डिस्टेंस कितना है फाइव यूनिट और ये कितना है एट सो देर फोर वी हैव फाइव बाई एट इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी तो ये हमारे पास रेशो आ गई फिर उसके बाद आप मेजर कर सकते हो योर ए सी विल कम आउट टू बी टू पॉइंट नाइन सेंटीमीटर्स एंड सी बी विल कम आउट टू बी फोर पॉइंट सेवन सेंटीमीटर्स राइट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर लैडर टेन मीटर्स लॉन्ग रीचेज अ विंडो एट मीटर्स अबव द ग्राउंड नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल अब देखो ये लेडर है देखो यहाँ पे दिस इज द लेडर विच इज टेन सेंटीमीटर्स लॉन्ग राइट दिस ए सी इज द लैडर तो ये हमारी लेडर है और फिर आपको कहा है विंडो एट मीटर्स अबव ग्राउंड है तो ए पॉइंट पे हमारे पास क्या है विंडो है सो यू आर गिवन दिस लेंथ ए बी टू बीक्वल टू एट मीटर्स और ए सी हमें कितना दिया हुआ है टेन मीटर्स आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर दिस इज द फुट ऑफ लेडर ऑल राइट फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल दैट इज बी सो दिस डिस्टेंस बी सी नीड्स टू बी ऑप्टेन सो इन ट्राइंगल ए बी सी वी आर गोइंग टू अप्लाई पाथागोरस थ्योरम सो वी हैव हैपी न्यू स्क्वेयर दैट मीन्स ए सी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ अदर टू साइड्स ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर सो टेन स्क्वेयर इज इक्वल टू एट स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर

आपको सम ऑफ फर्स्ट 45 टर्म्स मतलब एस 45 निकालना है अब AP में पी कर लो फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी तो एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो ए थ्री विल बी इक्वल टू ए प्लस टू डी विच इज इक्वल टू सिक्स कॉलेट एज वन देन ए सेवन विल बी ए प्लस सिक्स डी विच इज ट्वेंटी टू कॉल इट एज टू तो लेटस डू टू माइनस वन टू एलिमिनेट ए तो सिक्स डी माइनस टू डी विल बी फोर डी ट्वेंटी टू माइनस सिक्स इज हाउ मच सिक्सटीन सो यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी आ गई फोर इसको वन में पुट कर दो पुट इन वन लेट इज फाइंड ए ऑल्सो सो वी गेट ए प्लस फोर टाइम्स टू एट इज सिक्स सो वैल्यू ऑफ ए इज सिक्स माइनस एट विच इज माइनस टू अब देखो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एन बाई टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंट डी तो एस फोर्टी फाइव अगर चाहिए तो एन फोर्टी फाइव है सो इट इज़ फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय टू टू टाइम्स ए विच इज माइनस टू एंड देन एन माइनस वन विल बी फोर्टी फोर एंड टाइम्स डी विच इज़ इक्वल टू फोर तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो फोर्टी फाइव बाई टू है फोर आप बाहर ले सकते हो वॉट इज लेफ्ट माइनस वन प्लस फोर्टी फोर सो दिस इज़ कैंसल्ड वी गेट टू सो दिस इज़ नथिंग बट नाइन्टी टाइम्स फोर्टी

माइनस कॉस थीटा एल्सियम अगर हमारे पास ये है तो लुक एट द न्यूमिरेटर इट इज साइन थीटा माइनस कॉस् थीटा प्लस वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सो कॉस थीटा विल गेट कैंसर दिस इज इक्वल टू टू साइन थीटा डिनोमिनेटर ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज साइन स्क्वेर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा अब आप राइट साइड पे देखो डिनोमिनेटर सिर्फ हमारा कॉस की टर्म्स में है तो हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और साइन स्क्वेर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा सो कंबाइन कर लो डिनोमिनेटर में लाइक टर्म्स सो दिस इज इक्वल टू टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस टू कॉस स्क्र थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट नेक्स्ट वी कम टू नाउ सेक्शन डी विच इज ऑफ एट मार्क्स तो इसमें फोर क्वेश्चन है थर्टी सेवन टू फोर्टी ऑफ फोर मार्क्स ईच व टू अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सोल्व ग्राफिकली आपको दो लीनियर इक्वेश दी हुई हैं तो इनके ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे तो पहली इक्वेशन है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो वाई को आइसोलेट करते हैं सो वाई विल बी इक्वल टू टू एक्स प्लस थर्टीन डिवाइडेड बाय थ्री अब देखो हम ऐसी वैल्यू एक्स की लेना प्रेफर करते हैं जिसके लिए वाई एंड टीजर आ जाए तो we know 13 plus 2, 15, 15, 3 से डिविजिबल है तो एक्स को वन ले लो सो वाई विल थ्री फाइव तो पहला ऑर्डर पेयर आ गया वन कॉमा फाइव अब देखो अगर डिनोमिनेटर थ्री है ना तो आगे एक्स की वैल्यू थ्री एड करके या थ्री सब करके ले सकते हो थ्री एड कर रहे हो तो जैसे एक्स फोर है तो फोर टू जट प्लस इज ट्वेंटी वन बाय थ्री इज सेवन तो अगला पॉइंट आ गया फोर कॉमा सेवन फिर जैसे वन में थ्री माइनस भी कर सकते हो तो एक्स को नेगेटिव टू ले लो y विल बी 13 माइनस 4 9 बाई 3 विच इज 3, सो द पॉइंट इज minus 2 comma 3. तो अब देखो ये वाले पॉइंट हम प्लॉट करते हैं x is 1, y is 5, सो so, x1 y5 ये वाला पॉइंट है देन x is 4, y is 7, वी हैव दिस पॉइंट देन minus 2 comma 3, x is minus 2, y is 3. अब देखो तीन पॉइंट्स मिनिमम लेने चाहिए ताकि आपको पता चले कि लाइन पास हो रही है इनसे या नहीं सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द फर्स्ट लाइन लेट अस सी इफ वी हैव अ लाइन पासिंग थ्रू दीज थ्री पॉइंट राइट सो वी कैन सी दैट येस वी हैव अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स तो ये हमारे पास पहली लाइन है दैट इज टू एक्स माइनस थ्री वाई और प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो ना लेट मी टेक द सेकेंड लाइन हुज इक्वेशन इज थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो तो वाई को आइसोलेट कर लो सो वाई विल भी इक्वल टू थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व और डिवाइडेड बाई कितना टू आप देखो फिर से एक्स की वैल्यूज लेंगे सो दैट वाई बिकम्स एन इंटीजियर तो अगर हम एक्स को लेते हैं सपोज यहाँ पे जीरो तो वाई विल बी ट्वेल्व बाई टू दैट इज एक्स तो आपको एक्स को ईवन लेना पड़ेगा सो दैट इट इज डिविजिबल बाई टू नेक्स्ट हम जैसे एक्स को ले लें सपोज माइनस टू सो वाई विल बी ट्वेल्व माइनस सिक्स दैट इज सिक्स बाई टू विच इज थ्री तो पहला ऑर्डिट पेयर आया जीरो कॉमा सिक्स यहां पर आ गया माइनस टू कॉमा थ्री फिर एक्स को अगर हम लेते हैं माइनस फोर वाई विल बी हाउ मच माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व जीरो बाई टू विल बी जीरो सो वी हैव माइनस फोर कॉमा जीरो राइट आप प्लॉट करते हैं एक्स जीरो वाई सिक्स तो ये पॉइंट है ऑन वाई एक्सिस एक्स एस माइनस टू वाई इज थ्री तो ये वाला पॉइंट आ गया देखो द सेम पॉइंट देन वी हैव एक्स एस माइनस फोर वाई इज जीरो सो वी हैव दिस पॉइंट नाउ लेट अस सी इफ वी हैव अ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट और नॉट तो हमें एक लाइन मिलनी चाहिए इन पॉइंट से पास करती हुई सो यू कैन सी दिस इज द लाइन ऑल राइट तो ये हमारे पास लाइन आई है कौन सी थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो तो देखो लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है माइनस टू कॉमा थ्री सो दल्यूशन हेयर वुड बी माइनस टू कॉमा थ्री और यू कैन से एक्स इज माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू थ्री राइट मूविंग ऑन लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ऑपटेन ऑल अदर जीरो ऑफ दिस पोलिनोम इफ टू जीरोज आर गिवन टू बी दिस अब देखो अगर दो जीरोज ये हैं तो इसका मतलब दो फैक्टर्स हमें मिल गए x माइनस रूट फाइव बाई थ्री और x प्लस रूट फाइव बाय थ्री तो अगर हम इनका प्रोडक्ट देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय थ्री आ गया सो दिस विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनियल तो हम यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है थ्री एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क् माइनस टेन एक्स प्लस फाइव इस पॉलिनोमियल को वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय एक्स स्क्र माइनस फाइव बाय थ्री तो पहले देखो किससे जाएगा थ्री एक्स स्क् से सो वी हैव थ्री एक्स फोर देन एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है तो जीरो टाइम्स एक्स क्यूब देन वी हैव माइनस हाउ मच फाइव एक्स स्क्वेर अब सब करना है तो साइन चेंज होंगे प्लस विल बी माइनस माइनस प्लस दिस इज कैंसल्ड सो वी आर गेटिंग सिक्स एक्स क्यूब एंड प्लस थ्री एक्स ऑल राइट एंड देन यू कैन टेक डाउन माइनस टेन एक्स अब एक्सक्वायर है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिक्स एक्स से सो वी गेट सिक्स एक्स क्यूब फिर देखो एक्सक्वेयर वाली टर्म नहीं है तो जीरो होगा और माइनस वी विल हैव टेन एक्स अगेंस एपट्रैक्ट सो चेंज द साइंस सो ये टर्म हमारी कैंसल हो गई वी आर गेटिंग थ्री एक्स स्क्र इवन दिस टर्म इज कैंसल्ड टेक डाउन फाइव इज इट ऑल राइट सो वी हैव प्लस फाइव दिस इज थ्री एक्स स्क्र राइट सो नाओ अब हमारे पास किससे जाएगा देखो यहां पर ना ये माइनस फाइव है लेट मी मेक दिस करेक्शन इन दिस दिस इज नॉट प्लस फाइव बट दिस इज माइनस फाइव तो अगर ये माइनस फाइव है तो हमारे पास यहाँ भी नीचे क्या आएगा माइनस फाइव आएगा राइट नाउ यू कैन सी वी मल्टीप्लाई बाय थ्री सो वी हैव थ्री एक्स स्क्वेर माइनस फाइव अब फिर से साइन चेंज करो प्लस का माइनस माइनस का प्लस सो वी आर गेटिंग जीरो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल अगर हम इसको पीएक्स से डिनोट करते हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू पहले दो फैक्टर्स तो हमें पता ही थे x माइनस रूट फाइव बाय थ्री एक्स प्लस रूट फाइव बाय थ्री और एक हमारे पास अब ये फैक्टर आया है थ्री एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री इसमें देखो आप थ्री कॉमन ले सकते हो सो वी हैव थ्री टाइम्स x माइनस रूट फाइव बाय थ्री एक्स प्लस रूट फाइव बाय थ्री एंड वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन अब देखो ये किसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वन होल स्क्वायेयर का तो हमारे पास सारे लीनियर फैक्टर्स आ गए जिसमें हमारे पास एक फैक्टर रिपीट हो रहा है राइट सो दिस इज नथिंग बट x प्लस वन का स्क्वायर तो सारे जीरोस क्या क्या आ गए देखो एक तो यहां से आया पहले फैक्टर से जो हमें दिया भी हुआ था रूट फाइव बाई थ्री सेकेंड फैक्टर को जीरो पुट करेंगे तो माइनस रूट फाइव बाय थ्री और यहां से हमारे पास दोनों जीरो इक्वल आएंगे माइनस वन माइनस वन क्योंकि देखो पोलिनोमियल की आपके पास डिग्री फोर है तो फोर जीरो होंगे सो विच आर दीज नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन अकॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस फिफ्टीन सेंटीमीटर सब्टेंड एन एंगल सिक्सटी डिग्री एट द सेंटर तो आप यहाँ पे देखो ये फिगर में जैसे हमारे पास जो सेंटर पे एंगल सब्टेंड हो रहा है दैट इज हाउ मच सिक्सटी डिग्री राइट और जो रेडियस है दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर्स दिस इज द रेडियस तो अगर आर से डिनोट कर रहे हो सो आर इज फिफ्टीन सेंटीमीटर्स एमथीटा इज सिक्सटी डिग्री आपको निकालना है एरिया ऑफ कॉरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट सो दिस इज द माइनर सेगमेंट जो रीजन शेडेड है तो इसका हमें एरिया बताना है अब देखो एरिया ये कैसे निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालेंगे ओ ए सी बी और उसमें से ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस करेंगे तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टेन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी तो इसका एरिया हम ए वन से डिनोट करते हैं इज गिवन बाय पाई आर स्क्वेयर इन टू थीटा ओवर थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री सो दिस इज हाउ मच पाई को लेना है आपने कितना थ्री पॉइंट वन फोर क्वेश्चन में दिया है आर इज फिफ्टीन सो दिस इज फिफ्टीन स्क्वेयर एंड दिस इज सिक्सटी ओवर थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी ये जीरो कैंसिल करो सिक्स वन सा तो दिस ऑन सॉल्विंग अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ऑल राइट दिस विल बी री पॉइंट वन फोर टाइम्स टू ट्वेंटी फाइव एंड डिवाइडेड बाय सिक्स इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं बेशक अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी तो इसका एरिया मान लो हम ए टू से डिनोट करते हैं देखो ये एंगल सिक्सटी है ना तो ये रेडियस है तो अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होंगे तो इसका मतलब ईच एंगल वुड बी सिक्सटी डिग्री सो दिस मीन्स योर दिस ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्वी ट्रल ट्राइंगल इक्विलेट्रल ट्राइंगल का एरिया होता है रूट थ्री बाय फोर यहाँ पे साइड आर है आर स्क्वाट मीन्स रूट थ्री आपको थ्री बोला है लेने के लिए टाइम्स आर स्क्र दैट इज फिफ्टीन स्क्वेयर सो दैट मीन्स इट इज वन पॉइंट सेवन थ्री बाय फोर इन टू टू ट्वेंटी फाइव अब माइनर सेगमेंट का एरिया मतलब रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा इट विल बी इक्वल टू ए वन माइनस ए टू So now you see it is three point one four times two twenty five divided by six minus one point seven three times two twenty five divided by four. So you can take two twenty five common. So we have three point one four divided by six, all right, and minus one point seven three divided by four. So if you solve inside the brackets, that will give you approximately जीरो पॉइंट जीरो प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड इट इज कॉट ए माइनस वन डिवाइडेड बाय टू माइनस सीकेंड स्क्वायर ए तो देखो कॉट और सीकेंड दोनों tan में कन्वर्ट हो सकते हैं तो हम एक ही रेशो रखते हैं कॉट को टेन में ले लो वन अपॉन टेन ए और सी स्क्वेयर ए यू नो दैट इज वन प्लस टैन स्क्वेयर ए टेक एल्सियम इन द न्यूमिरेटर सो इट इज वन माइनस टैन ए डिवाइडेड बाई टेन एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स वी गेट वन माइनस टैन स्क्र ए सो दिस विल बी इक्वल टू देखो वन माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय टेन ए एंड मल्टीप्लाइड बाय वन ओवर वन माइनस टैन स्क्वेयर ए अब ये वाला जो फैक्टर है इट इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो इसको हम कर लेते हैं फैक्टराइज फैक्ट्राइज इट ओके सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय वन ओवर वन माइनस टेन ए इन प्लस टेन ए अब आप नोटिस करो यहाँ पे वन माइनस टेन ए फैक्टर कैंसल हो गया एंड हेयर वट इज वन अपॉन टेन ए इट इज नथिंग बट कॉटे इन वन ओवर वन प्लस टेन ए, सो देरफोर वी गेट कॉट ए डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेक्शन ई जो हमारा लास्ट सेक्शन है ट्वेंटी फाइव मार्क्स का है

अब देखो फ्रीक्वेंसीज आपको दी हैं सेवन टेन सिक्सटीन थर्टी टू ट्वेंटी फोर सिक्सटीन इलेवन फाइव एंड टू अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सो दिस विल बी सेवन सेवनटीन थर्टी थ्री देन सिक्सटी फाइव देन एटी नाइन देन हंड्रेड फाइव देन हंड्रेड एंड सिक्सटीन देन वन ट्वेंटी वन एंड देन वन ट्वेंटी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैपिटल एन इज 123, सो देर फोर एन बाय टू ये हो जाएगा 123 डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल टू 61.5। अब देखो ये यहां पे लाई कर रहा है 33 खत्म हो गया मतलब थर्टी से लेकर सिक्सटी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इस क्लास इंटरवल में लाई करते हैं तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास और अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस एन बाय टू माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ टाइम्स एच अब देखो एल होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास विच इज 15.5, पॉइंट फाइव एन बाई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड सिक्सटी वन सी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियम क्लास सो सी इज 33, थ्री एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास विच इज 32, तो एफ हमारा थर्टी है और एच है साइज ऑफ क्लास इंटरवल तो मीडियम क्लास का साइज इंटरवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25 माइनस 15.5 पॉइंट इज 5 अब हम वैल्यूज प्लग इन करते हैं सो दिस इज 15.5 प्लस एन बाय टू इज 61.5 वन माइनस थर्टी डिवाइडेड बाय 32 टाइम्स कितना 5 सो दिस इज इक्वल टू 15.5 प्लस This will be 28.5 multiplied by 5, which is 142.5 divided by 32. So, if you divide 142.5 by 32, you will get 4.45. So, on adding, we get 19.95. This is going to be the median, alright. So, yeah median Let us see the next question now, question number 42 a boy standing on the bank of a river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree when he moves 20 meters back from the bank he finds angle to be 30 find the height of the tree and the breadth of the river now look at this figure so yapko figure banani yogi right so here you can see that this is the river Your a b this is the width of the river right एंड द सी बी इज़ द ट्री सो पहले पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सिक्सटी डिग्री है और फिर ट्वेंटी मीटर्स पीछे जाने पर बैंक से एंगल ऑफ एलिवेशन थर्टी है तो so, एज्यूम कर लो मान लो विफ रिवर इज एक्स और सपोज हाइट ऑफ द ट्री इज एच तो पहले हम एक राइट right ट्राइंगल लेते हैं लेटेस्ट एक ट्राएंगल ए सी बी अब देखो हमें बेस और परपेंडिकुलर में इंटरेस्ट है तो टैन लेंगे सो टैन सिक्सटी डिग्री विल बी परपेंडिकुलर विच इज सी बी अपऑन बेस विच इज ए बी टेन सिक्सटी डिग्री इज रूट थ्री दैट मीन्स इट इज एच ओवर एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एच हो गया रूट थ्री एक्स लेट अस कॉल दिस एज वन अब दूसरा राइट ट्राइंगल लेते हैं ट्राइंगल सी डी बी तो इसमें हमारे पास अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन टेन बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर एंड बेस सो टैन थर्टी डिग्री विल बी परपेंडिकुलर विच इज सी बी और बेस कितना है डी बी टेन थर्टी डिग्री इज़ वन अपॉन रूट थ्री सी बी हमारा एच हो गया डी बी फिगर से देखो डी ए प्लस ए बी दैट मीन्स ट्वेंटी प्लस एक्स सो क्रॉस मल्टीप्लाई ट्वेंटी प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स एच ये एच की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं राइट साइड पे। सो ट्वेंटी प्लस एक्स विल बी इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स रूट थ्री एक्स सो वी हैव ट्वेंटी प्लस एक्स टू बी इक्वल टू थ्री एक्स

सपोज यूनिट प्लेस पर डिजिट एक्स है टेंस पे वाई है तो जो ओरिजिनल नंबर है दैट विल बी इक्वल टू टेन वाई प्लस एक्स पहली कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट मतलब एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर फिर आपको कहा है अगर नंबर से हम एटीन सब्ट्रैक कर दें दैट मीन्स इफ यू टेक ओरिजिनल नंबर माइनस एटीन तो आपको वो नंबर मिलेगा जिसमें डिजिट्स रिवर्स्ड है तो रिवर्स नंबर मिलेगा सो दैट मीन्स टेन वाई प्लस एक्स माइनस एटीन अब रिवर्स होगा तो मतलब यूनिट प्लेस पे वाई हो जाएगा तो नंबर विल बी टेन एक्स प्लस वाई नाउ इट मीन्स वी हैव टेन वाई माइनस वाई दैट इज नाइन वाई माइनस नाइन एक्स इज इक्वल टू एटीन सो इफ यू डिवाइड बाई नाइन ऑन बोथ साइड वी गेट वाई माइनस एक्स एज टू सो वाई कैन बी टेकन एज एक्स प्लस टू अब y की वैल्यू हम यहाँ प्लग इन करते हैं सो वी हैव x इन टू एक्स प्लस टू टू इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क् प्लस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो सो स्प्लिट द मिडल टर्म सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट टू टर्म्स एक्स कॉमन x प्लस सिक्स माइनस फोर कॉमन x प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो So two factors are x minus 4, x plus 6. Now factors are 6 minu x minus 4, x plus 6. So either x will be equal to 4 or x will be equal to minus 6. Now, X x q k digit hai unit place so negative would be rejected. That means we get value of x as 4. Now y was nothing but x plus 2, so we get y to be equal to 4 plus 2, that is equal to 6. So the original number was 10y. Plus x. That means it is equal to 10 times 6 plus x, which is equal to 4. So, the original number is nothing but 64, alright. So, that is going to be the answer. Moving on, let us now have a look at question number 44. Question number 44 is the curved surface area of a cylinder is 5,500 centimeters square and circumference of the base is 110 centimeters. फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अब देखो जैसे ये हमें सिलेंडर दिया हुआ है मान लो तो इसमें आपको कर्ड सर्फेस एरिया ऑफ बेस कर् सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो कर्फ सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर में अगर रेडियस आर है और हाइट हमारी अगर एच है तो इट विल बी गिवन बाई टू पाई आर एच सो दिस ऑज गिवन टू बी इक्वल टू फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड देन स ऑफ बेस मतलब ये बेस का सरकमेंस ऑल राइट सो दिस सरकमफ्रेंस इट इज अ सर्कल जिसका रेडियस आर है तो बेस का सरकमेंस हो जाएगा टू पाई आर गिवन टू बी हंड्रेड एंड टेन आपको एक तो हाइट निकालनी है और एक वॉल्यूम अब देखो हाइट तो आप इसी से निकाल सकते हो अगर आप इनको डिवाइड कर लो टू पाई आर एच डिवाइडेड बाई टू पाई आर सो दिस इज इक्वल टू फाइव फाइव जीरो जीरो डिवाइडेड बाय हंड्रेड एंड टेन सो टू पाई आर गेट्स कैंसल यहां पर जीरो कैंसिल करो इलेवन फाइव जो दैट मीन्स योर हाइट इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर्स राइट देन वी रिक्वायर रेडियस ऑल्सो राइट सो लेटस ऑप्टेन द रेडियस वो हम यहां से निकाल सकते हैं सो रेडियस विल बीक्वल टू हंड्रेड एंड टेन डिवाइडेड बाय टू पाए पाए कैन बी टेकन एज ट्वेंटी टू बाय सेवन सो इट इज हंड्रेड टेन टाइम्स सेवन डिवाइडेड बाय 2 into 22. 2 say cancer is 11 se 11 1s. So this is 2. Alright. Then we have 2 5 So that means your r is equal to 35 divided by 2 centimeters. Now let us write the formula for volume, which is equal to pi r square h. So, value of pi we have as 22 by 7 then r is 35 by 2 square so that means 35 by 2 into 35 by 2 and h we have obtained as 50 so we have 7 5s a2 cancel kar sakte ho, yahan pe 11 or a2 cancel ucha 25 so that means it is equal to 55 multiplied by 35 and multiplied by 25 which will come out to be 48125 बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव है सम ऑफ एजेस एंड हे सन इज फोर्टी फाइव ईयर सो हम एज्यूम कर लेते हैं प्रेजेंट एज की बात हो रही है डिटर्मिन भी आपको वही करना है तो अगर हम प्रेजेंट एज की बात करते हैं सो लेटर्स एज्यूम फादर की हमारे पास प्रेजेंट एज इज एक्स इज And suppose son's present age is y years. So, at present the sum is 45. So, the first equation is x plus y is equal to 45. Maybe you can write y in terms of x. So, y can be taken as 45 minus x. Now, what is the other condition given? 5 years ago, the product of the ages in years was 124. अब देखो ये प्रेजेंट एज है तो अगर हम फाइव ईयर्स अगो की बात करते हैं तो फादर की एज होगी x माइनस फाइव ईयर्स और सन की एज होगी y माइनस फाइव ईयर्स तो आपको दिया है इनका प्रोडक्ट ऑफ एजेस मींस x माइनस फाइव इन टू वाई माइनस फाइव दिस इज इक्वल टू वन अब देखो y की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे इट इज़ 45 फाइव माइनस एक्स And then we have minus 5 as 124. It means we have x minus 5 into 40 minus x, this is equal to 124. So, multiply, we have 40x minus x square minus 200 plus we have 5x is equal to 124. So, that means we have how much 45x minus x square. माइनस टू हंड्रेड इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फोर सो जो बनी वो है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर्टी फाइव एक्स प्लस वन ट्वेंटी फोर प्लस टू हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस फोर्टी फाइव एक्स प्लस थ्री ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो अब मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट कर सकते हैं नाइन एंड थर्टी सिक्स सो वी हैव एक्स स्क्र माइनस नाइन एक्स माइनस थर्टी सिक्स एक्स

स्क्वेयर ऑफ हैपिटिन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ये थ्योरम आपने प्रूव करना है सो लेटस टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल सपोज वी हैव दिस लेट मी टेक दिस ट्राइंगल एज से ए बी सी राइट तो इसमें देखो अगर हमारे पास ये 90 डिग्री है तो टू प्रूव आपने क्या करना है कि

ए अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो आपके पास एक तो एंगल बी कॉमन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी दूसरा एंगल बी ए सी जो कि 90 डिग्री है इज इक्वल टू एंगल बी डी ए विच इज ऑल्सो नाइन्टी डिग्री तो दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे सो ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ए बाय ए ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनल सो बी ए अपॉन बी सी वुड बी इक्वल टू बी डी ऑल राइट डिवाइडेड बाय बी सी लिया है तो क्या लोगे बी ए सो वी हैव दिस लेट अस कॉल दिस एज और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बेशक पहले सो वी हैव बी ए स्क्वेर टू बी इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाईड बाय बी डी अस कॉल दिस एज वन अब हम दो राइट right ट्राइ दो राइट right ट्राइंगल्स और लेते हैं कौन से लेंगे लेटस हैव अ लुक एट ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ए डी सी इन दोनों में आप नोटिस करो एंगल सी एक तो कॉमन है सो वी हैव एंगल सी इक्वल टू एंगल सी और दूसरा हमारे पास एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी क्योंकि इच इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो अगेन वी हैव ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी बाय रूल ए ए सो अगेन ट्राइंगल्सम साइड वुड बी प्रपोशनल सो बी सी अपॉन ए सी वुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन हाउ मच इट विल बी ए सी लिया है तो क्या लोगे डी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सो दैट मीन्स बी सी इन टू डी सी

फिगर में अगर आप देखोगे बी डी और डी सी एड करके कितना मिलेगा बी सी सो इट इज बी सी टाइम्स बी सी दैट इज इक्वल टू बी सी स्क्वेर सो देर फोर वी गेट बी सी स्क्वेयर टू बी इक्वल टू बी ए स्क्र प्लस ए सी स्क्वेयर सो दट इज वॉट वी हैड टू प्रूव मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन 47th question is A tent is in the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meters and then becomes a right circular cone with a maximum height of 3.5 meters above the ground. Calculate the cost of painting the inner side of the tent at the rate of rupees 2 per square meter if the radius of the base is 14 meters. Now look at the figure over here. तो पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी तो ये जैसे हमारा टेंट है तो रेडियस ऑफ द बेस इज़ फोर्टीन लेट इज डिनोटेड बाय आर तो ये वाला जो कोन का भी रेडियस है दैट विल बी आर विच इज़ फोर्टीन मान लो सिलेंडर की हाइट एच है विच इज गिवन टू बी थ्री मीटर्स और देखो टेंट की टोटल हाइट थर्टीन पॉइंट फाइव दी है तो इसका मतलब अगर हम कोन की हाइट लेते हैं सपोज कैपिटल एच दिस विल बी इक्वल टू थर्टीन पॉइंट फाइव माइनस थ्री फ्रैक्शन में भी ले सकते हो इट इजी वन बाई टू मीटर्स अब आपको देखो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि पेंट करना है तो सरफेस एरिया एक तो हमें देखो सिलेंडर का लेना है और एक कोन का लेना है कोन के सर्फेस एरिया के लिए आपको पहले स्लांट हाइट चाहिए तो ये वाला जो ट्राइंगल है जैसे ए बी सी इसमें वी आर गोइंग टू अप्लाई पैथर तो वी विल हैव एल स्क्वेयर टू बी इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब देखो एच स्क्वेयर हो जाएगा ट्वेंटी वन बाय टू का स्क्वेयर और आर फोर्टीन है सो दिस इज फोर्टीन का स्क्वेयर। अब देखो दोनों सेवन के मल्टीपल्स हैं ट्वेंटी वन और फोर्टीन सो दिस इज सेवन स्क्वेयर इन टू थ्री स्क्र विच इज नाइन अपॉन फोर ये हो जाएगा सेवन स्क्र इंटू टू स्क्र विच इज फोर सो सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन हम बाहर ले लेते हैं वी हैव नाइन बाय फोर प्लस फोर सो दिस ऑज इक्वल टू फोर्टी नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव बाई फोर अब देखो हर एक परफेक्ट स्कोयर है सो एल विल बी सेवन इंटू फाइव बाई टू मतलब स्लांट हाइट कौन की आ गई थर्टी फाइव बाई टू मीटर्स राइट नाउ लेटर्स अप्लाई द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया सिलेंडर का होगा हमारा टू पाई आर एच और कौन का पाई आर एल आर सेम है तो हम यहाँ पर पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं इट इज टू एच प्लस एल सो पाई इज ट्वेंटी टू बाई सेवन आर हमें फोर्टीन दिया है एच इज हाउ मच स्मॉल एच स्म एच देखो थ्री है सो दिस विल्स थ्री विच इज सिक्स और एल कितना निकला है थर्टी फाइव बाई टू ये कैंसिल करो सो वी हैव ट्वेंटी टू टाइम्स टू टेल्सियम सो इट इज ट्वेल्व प्लस थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू टू ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड सो वी हैव ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड बाई 47. So this will come out to be 1034. So itne square meters is the area. Ab dekho, cost kitni hai? Rupees 2 per square meter. So therefore total cost of painting would be 2 times 1034. That means it would be equal to rupees 2068. Right? This is going to be the answer. Now let's have a look at last question. Question number 48. Find the area of quadrilateral whose vertices taken in order are minus 4, minus 2, minus 3, minus 5, 3, minus 2, 2, 3. Let us name these vertices as A, B, C, and D. So, the quadrilateral is A, B, C, D. Now, A point is minus 4, minus 2. So, this is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and then minus 2. So, this would be point A, right? then we have b point as minus 3 minus 5 so minus 3 and then minus 5 like this is minus 2 so minus 3 minus 4 this would be minus 5 and this is minus 3 so the next point is this this is point b then we have 3 comma minus 2 so this would be 3 so 3 comma minus 2 is this point c

और यू कैन ऑल्सो टेक द फार्मूला एज हाफ बेस इंटू हाइट राइट तो इसमें भी और इसमें भी फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट लुकेट द फर्स्ट ट्राइंगल ए डी सी आप देखो इसमें ए सी जो है दैट कैन बी टेकन एज द बेस तो पहले ट्राइंगल में बेस हमारा हो गया ए सी और हाइट विल बी दिस डिस्टेंस सी दिस डिस्टेंस लेट मी कॉल इट एज एम सो टाइम्स डी एम प्लस दूसरे ट्राइंगल में भी बेस विल बी टेकन एज ए सी ए बी सी में और हाइट आपकी बी पॉइंट से ये हो जाएगी दिस हाइट लेट मी कॉल इट एज एन ऑल राइट सो इट विल बी बी एन नाउ वी हैव दिस इक्वल टू हाफ ऑफ नो लुकेट हाउ मच दिस डिस्टेंस ए सी ए का आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है माइनस फोर राइट और सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है थ्री सो दिस टोटल डिस्टेंस विल बी फोर प्लस थ्री दैट इज सेवन यूनिट्स सो वी हैव डिस्टेंस ए सी टू बी इक्वल टू सेवन यूनिट्स तो ये सेवन हो गया अब देखो डी एम की अगर हम बात करते हैं तो आप अगर देखोगे डी तो के कॉर्डिनेट्स हैं टू कॉमा थ्री तो एक्सेक्सेस के ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस थ्री है और यहाँ पे नीचे टू है तो ये टू हो गया थ्री प्लस टू दैट मीन्स डी एम विल बी इक्वल टू फाइव इसी तरह से अगर हम बी एन की बात करते हैं देखो तो ए का वाई कोऑर्डिनेट माइनस टू है बी का माइनस फाइव सो दिस मच डिस्टेंस बी इक्वल टू थ्री राइट सो लेट अस प्लग इन दैल्यूज डी एम इज फाइव प्लस वी हैव वन बाई टू ए सी इज सेवन और बी एन कितना है थ्री सो वी गेट थर्टी फाइव बाई टू प्लस ट्वेंटी वन बाय टू विच इज इक्वल टू हाउ मच फिफ्टी सिक्स बाय टू दैट मीन्स इट इज इक्वल टू ट्वेंटी एट स्क्वेर यूनिट्स अगर देखो ट्राइंगल आपका ऐसा नहीं बन रहा कि जिसमें जैसे आपका ए सी आ रहा है फिर आप ट्राइंगल में अगर तीन वर्टसेस होते हैं x1 y1, वन, वन सेकेंड वर्टेक्स है आपका x2 y2 और थर्ड वर्टेक्स है अगर x3 y3, तो एरिया के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इट इज गिवन बाई हाफ ऑफ x1 वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू टाइम्स वाई थ्री माइनस वाई वन एंड प्लस एक्स थ्री टाइम्स वाई वन माइनस वाई टू सो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज इफ यू फील की कोई भी साइड आपकी हॉरिजोंटल नहीं आ रही और ग्राफ से हम एरिया नहीं निकाल सकते इज इट ओके सो आई होप ऑल द डाउट्स इन दिस पेपर आर क्लियर टू यू थैंक यू